हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरफुल क्रिएचर्स। दोस्तों, रिसेंटली असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में मैंडरिन डक को स्पॉट किया गया। कैन यू रियली बिलीव इट? मुझे भी बहुत हैरानी हुई जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा। इसको 120 साल बाद दोबारा असम में देखी गई। WTI, जिसका फुल फॉर्म है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अवियन स्पेशलिस्ट एंड बर्डिंग वॉलंटियर्स द्वारा इनको दोबारा स्पॉट किया गया, वो भी 120 साल बाद। मागुड़ी बेल्स या फिर मागुड़ी मोटापांग हो सकता है, मैं इसका प्रोनाउंस थोड़ा अलग कर रही हूँ, फिर गलत कर रही हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। जहाँ पे इस मोटापांग बेल्स में पहली बार मैंडरिन डक को स्पॉट की गई WTI, वहाँ पे मेनली व्हाइट विंग्ड वुड डक्स के ऊपर सर्वे करने के लिए जा रहे थे, तब जाके उन बर्ड्स के बीच उन्होंने मैंडरिन डक को स्पॉट किया। ये डक्स मेनली इंडिया में नहीं आते हैं, जापान में और चाइना में ही ये बर्ड रहते हैं, और वहाँ मंडर मतलब ये माइग्रेटरी बर्ड्स के अंदर नहीं पड़ते हैं। फिर भी कभी कभी दूसरे बर्ड्स झुंड के बीच आके चाइना से जापान या फिर जापान से चाइना ये लोग आते जाते रहते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये डक इंडिया में कैसे आया, कहाँ से आया? तो इसका जवाब ये है, कुछ कुछ ऑर्निथोलॉजिस्ट या फिर बर्ड स्पेशलिस्ट जिसको आप बोल सकते हैं, उनके मुताबिक ये अपने झुंड से अलग हो गया होगा और इंडिया आने वाले माइग्रेटरी जो बर्ड होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड का मतलब आपको तो पता ही होगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान में एक निर्दिष्ट ऋतु में जाते हैं, भ्रमण करते हैं जिसको बोलते हैं, उसको ही माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया आने वाले किसी माइग्रेटरी बर्ड के झुंड के साथ वो इंडिया में आ गया होगा। बेचारा, बट कोई बात नहीं, हम लोगों के लिए, खासकर आसाम के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि ये डक दोबारा इंडिया में लौट आई। दोस्तों, अब अगर आपको मंडरिन डक के बारे में अच्छे से विस्तार से जानना है, इसका लाइफस्टाइल, फूड, डाइट, सब कुछ, तो मैं इसके बारे में पहले ही बना के रखी हूँ एक सेपरेट वीडियो। मैं आई बटन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग क्लिक करके वो वीडियो देखें, ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, मुझे ये उम्मीद है। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो बनाने का मेरा रियली कोई प्लानिंग नहीं था। जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा था, मतलब हेडलाइंस जब मैंने देखी थी, तो मुझे रियली फेक लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये डक तो यहाँ पे नहीं पाई जाती। बहुत सारे फेक न्यूज़ ऐसे ही आते जाते रहते हैं यूट्यूब में, तो मुझे रियली भरोसा नहीं हुआ था। ऑब्वियसली जब जिन्होंने पहली बार देखा होगा उनको भी भरोसा नहीं हुआ होगा कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वैसे ही तो मेरी फीलिंग्स भी सेम थी। तो जब मैंने पढ़ा तो रियली मुझे भी हैरानी हुई कि अच्छा ये बात है। नॉर्मली मैंने ये डाउट था, मतलब अगर ये रियल होगा तो मेरा भी डाउट था कि ज़रूर उड़ के ही आ गई होगी, क्योंकि आप अगर वर्ल्ड मैप को अच्छे से देखें तो चाइना और आसाम के बीच में इतनी भी ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब वो उड़ के आराम से आ सकते हैं। वैसे भी माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसे होते हैं ना, एक पूरा देश पार करके दूसरे देश में चले जाते हैं, तो हो सकता है अपनी दोस्तों से वो अलग हो गया होगा, तो नए दोस्त मिल गए हो कि तो उनके साथ निकल पड़े हो घूमने। जो भी हो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।